बोलो परम द्वार काल का, बोलो परम द्वारा, बोलो परम द्वार काल का, बोलो परम द्वारा। जय काली जय जय मां काली जय काली, जय काली जय जय मां काली जय काली। जय माता दी। ओम साईं काल का। जैसे कि आप सबको बताया, सिद्धपीठ श्री साईं काल का मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब आगे आप लोगों के सहयोग की और ज़्यादा आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन लगभग पूरी होने वाली है हमारी, और मंदिर की चोटी निर्माण, मंदिर में गेट लगना है, मंदिर में पत्थर वगैरह लगवाना है, और भी ऐसे कार्य जो आपको पता है मंदिर में ज़रूरी हैं, उसके लिए सहयोग आप लोगों का करना अति अनिवार्य है। क्योंकि समय, हम मैंने पहले ही बताया, हमारे पास बहुत कम है, किंतु जो हमारा अभी तक का कार्य था वो समय पे हो रहा है, सिर्फ आप लोगों के सहयोग के और माँ भगवती के आशीर्वाद से हो रहा है। तो आगे भी आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आपके पास स्क्रीन पे अकाउंट नंबर, फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर सब आ रहा है। आप प्लीज़ इसमें आप हेल्प कीजिए। जो बच्चे इसमें नहीं कर सकते हैं वो दरबार आके या मनी ऑर्डर के थ्रू हमारी हेल्प कर सकते हैं। ओम साईं काल। हां बेटा, बोलो कहां से आए, इकट्ठे हो? आंटी आप वही रहना, चूल्हा अलग अलग है, अभी पता ही कैसे एक ही घर है। ठीक है, तेल एक ही बंदा लाया, रख दिया। ठीक है, बताओ बेटा कहाँ से आए हो? कानपुर से आए। अच्छा बेटा, और कहाँ का इलाज चल रहा है? क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे भगत अधिकारी नहीं, और का भी इलाज चल रहा है? कहीं और भगत का इलाज चला हुआ है? और कहाँ से इलाज चलवाया था बेटा? तेरे घर में चीज आई हुई है, तेरे घर में भगत आया हुआ है। घर बुला के कभी किसी से करवाया था क्या? तो मतलब पहले इलाज करवाते रहते थे घर में घर वाले? रिस्पॉन्स वाली बात नहीं है माँ, ये पूछ रही है। अभी आपके यहाँ पर थोड़े दिन पहले तक किसी का इलाज चल रहा था? किसका चल रहा था? पापा का चल रहा था, किसी भगत के यहाँ से चल रहा था। हॉस्पिटल का इलाज नहीं पूछ रही मैं, भगत का इलाज पूछ रही हूँ। जैसे मेरे पास आयो, ऐसे और किसी के पास जाके कभी इलाज करवाया ऊपरी पढ़ाई का? हाँ वो पूछ रही है बेटा मैं। तो वो अभी भी तुम्हारे घर में चीजें रखी हुई है, ये तुम्हारे घर के थोड़ी सी बाहर से निकल के अलग से कुछ ईंटों का कुछ बना रखा है क्या? हाँ, जो मेरे को दिखा है वो सिर्फ ईंटों का दिखा है, उसके ऊपर प्लास्टर भी नहीं है और जोड़ी चढ़ी हुई दिखी है, जैसे चौखट चढ़ी हुई है। ये गांव का घर है बेटा, उस घर में कुछ है और वहां से सारे के सारे परेशान है, तुम्हारा पूरा खानदान परेशान है। और ये पीछे से है, पहले का तो है ही नहीं है। ऐसे ही है ना, एक कमरा नीचे एक कमरा ऊपर, चुबारा से छोटा सा कुछ बना हुआ है, सीढ़ियां जाने का रास्ता होता है जैसे। नहीं मुझे तो वही दिखा भाई, जैसे एक नीचे बना दी कोठरी सी, एक ऊपर जाने का रास्ता बना दिया, थोड़ी सी उस पर भी छत सी लगा दी ऐसे पतली सी। हाँ हाँ वही पूछ रही हूँ मैं, वही है ना। हाँ हाँ मैं यही कह रही हूँ, ईंटे ईंटे दिखी है मुझे, प्लास्टर भी नहीं दिखा, सिर्फ चौखट चढ़ी हुई दिखी है। हाँ हाँ वही मैं पूछ रही हूँ। अच्छा तेरे ऊपर आती है पेशी? क्या बताते हैं, घर के बताते हैं? तेरे ऊपर चीज आती है, खेलती है, सवारी आती है? बदन चला रही है। आप बोलो, आप समझदार हो, आप कितनी बार भी आके बोल के गए थे? अच्छा ये पहले आया था? ये दोनों भाई तेल रखे गए। अच्छा पहले पेशी दिलवा के देखी है? आई थी यहाँ, चीज खेली थी, ये आए थे, वो नहीं लगा था तो तेल रखे चले गए। अच्छा ठीक है, भजन चलाओ भैया, आपको पैसे दे दी। अच्छा जी बाबू, ये तो तुम्हारे घर के पितर हैं, तुम लोग कुछ देते नहीं हो क्या उन्हें? हैं बाबू बात करो, पितर हैं तो तुम्हारे घर के क्या करते बेटा पितरों का? तुम बाबा गद्दी लगाते हैं, कई जगह लेके गुरु तीन देव हैं, पता नहीं कौन कौन से बोलते नहीं ये तुम्हारे पितर हैं। जब तक तुम उनको रास्ता नहीं दोगे आगे, वो किसी शक्ति को नहीं आने देंगे। दूसरी बात, तुम्हारे घर में पीछे भी गद्दी लगती थी, इस वजह से अब गद्दी लगी है। गद्दी लगाते भी है? हाँ, लेकिन गद्दी लगाओगे भैया तो तुम्हारे गुरु कौन है? गुरु किसी नहीं बना, तो बिना गुरुओं के तो गद्दी चलती नहीं ना बेटे। और पहले पितर नहीं मनाओगे जब तक, तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। कौन है? अच्छा तो वो आपको गद्दी जलाने के नियम बताते हैं? नाग बाबा। बाबू पितर है ये, पितर नागों के रूप में ही दिखते हैं, तुम्हें दिखते भी होंगे सपने में, सफेद कपड़ों में या नंगा कोई या कैसे किसी कपड़ों में कोई दिखता है?
कैसे दिखते हैं सपने, सपने कैसे आते हैं, जो आते हैं याद रहते हैं। अच्छा हाँ, वो पितृ दिखते हैं बेटा, नाग पितृ के रूप में ही आते हैं, काले भी दिखते हैं सफेद भी दिख जाते हैं। नाग दिखने का मतलब ये नहीं महादेव है, ऐसा नहीं है। पहले तो आपके पितरों को मनाओ, जब तक आप अपने घर की शक्तियों को नहीं मनाओगे तब तक बाहर की कोई शक्ति आपके घर में एंट्री नहीं कर पाएगी। और गद्दी के लिए आपको अपने गुरु वो हो बनाने पड़ेंगे जो गद्दी के नियमों को चला सके। बोलेंगे तो जब बाबू, जब उसको कुछ मिलेगा, उसको कुछ मिला ही नहीं है, बोलेगा क्या वो। हाँ तो पितरों का मैंने बताया ना, पितरों का ही है, नाग नागिनों की पूजा नहीं होगी बाबू। आपको सही से किसी ने कुछ बताया ही नहीं है, इसलिए आप बेचारे कुछ समझ ही नहीं आया, आपको बस भटक रहे हो। नाग नागिन की पूजा नहीं होती, पितरों की पूजा होती है, ठीक है। पितर नाग के रूप में नजर आ जाते हैं। ये कर फिर मुझे बता, पहली बार में तो बोल ही पड़ेंगे। चलो आओ भैया, गया दोस्तों माना।